पिछले दिन जिला कपूरथला में शिवसेना बाल ठाकरे उपाध्यक्ष प्यारा लाल की अध्यक्षता में शिव सैनिकों ने एक नौजवान को पुलिस हिरासत में रात भर रखने के रोष में थाना सिटी कपूरथला SHO खिलाफ उन्हें बदलने की मांग को लेकर DC चौक कपूरथला में रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया था। वहीं पंजाब पुलिस कपूरथला ने शिवसेना बाल ठाकरे पार्टी पंजाब उपाध्यक्ष पार्टी संगठन मंत्री पंजाब व जिला अध्यक्ष कपूरथला समेत कुल 38 पर IPC की धारा 188, 283, 186 के तहत कपूरथला पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिव सैनिकों पर कपूरथला पुलिस की ओर दर्ज मामले को लेकर शिवसेना बाल ठाकरे पंजाब अध्यक्ष योगराज शर्मा ने कपूरथला दौरे दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कपूरथला पुलिस ने शिव सैनिकों पर अनलीगल तरीके से पर्चे किए हैं, ऐसे पर्चों की हम परवाह नहीं करते। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि थाना सिटी कपूरथला SHO खालिस्तानी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति है। खालिस्तानी विचारधारा इनके मन से निकलने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। या तो SHO हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष से माफी मांग ले और अनलीगल तरीकों से दर्ज हुए पर्चों को अपने अधिकारों से बातचीत करके उन्हें खारिज करवाएं, नहीं तो हम SHO की ईंट से ईंट बजा देंगे, तब हम बताएंगे कि शिव सैनिक क्या है। इसलिए हमने जांच के लिए एक मांग पत्र SSP कपूरथला के नाम SPD को दिया है ताकि यह मुद्दा जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों के लिए अच्छा होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, अगर शिव सैनिकों के खिलाफ दर्ज किए मामले अगर रद्द नहीं किए गए तो हमें और भी कई तरीके आते हैं। सुल्तानपुर से रंजीत सिंह चंद की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਾਧਿਆਕਸ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬਲੇਮ ਹੈਗਾ? SHO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ इस काबिल ही नहीं है भी ऐसी बोली बोलने वाले बंदे नूं एक बहुत ही जिम्मेवार सीट पर बिठाया जाए। उसके बाद उस गरीब परिवार के बच्चे नूं पूरी रात इस SHO ने अपनी हिरासत में रखा। दूजे दिन जो 100 के शिव सैनिक साडा इकट्ठा हो गए इस SHO नूं पुछण गया, उस वक्त भी उस व्यक्ति का जिहड़ा नजरिया सीगा बोलने का तरीका सीगा वो बहुत गलत सीगा, जिदे विरोध में शिव सैनिक ने थाने का घराव करने की कोशिश की। जो तो थाने का घराव करने की कोशिश की तो इस व्यक्ति ने उस लड़के जिन्हों नजायज तौर पर पूरी रात अपनी हिरासत में रखे उन्होंने छड़ता और नाल ही 30+ शिव सैनिकों के उपर अनलीगल तरीके नाल नजायज जिहड़े परचे दे।
परतियां दी असी परवाह नहीं करते, शिव सेना परतियां दी परवाह नहीं करते। ऐसे परते शिव सेना दे बहुत होए, बहुत असी भुगते, लेकिन ऐसी सोच खालिस्तान सोच खालिस्तान विचारधारा जिस एस एच ओ दे जहन दे विच आ, वह जी विचारधारा है इस एस एच ओ दे मन दे विचों कढ़नी है। इस करके अज प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जां ते वह एस एच ओ साढ़े प्यारा लाल जी उपाध्यक्ष है उन्होंने को माफ़ी मांग ले, जेडे परचे अनलीगल तरीके दते आ वो खारज करवावे अपने उच्च अधिकारियों नाल मिलके, नहीं तो इस एस एच ओ की पूरी अपना एट नाइट बजावे, इन आप दसागे भी शिव सेना की अल्टीमेट भी है। अल्टीमेट बाद आप एक मांग पत्र के माध्यम नाल एस एस पी साहब नूं दिता, और असी उन्होंने भी निवेदन किया एस पी साहब नूं इस मुद्दे को जिनी जल्दी तुम समेटोगे तुहाडे वत्त भी चंगा ते साडे वत्त भी। ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਐਸ ਐਚ ਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਈ ਆ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਸੀਟਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਦ ਘਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਘਸੀਟਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਸੀਟਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁਤਲੇ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ।